लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ा मणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ से कहा, पुत्र मेघनाथ, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाथ कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाथ को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है, अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाथ की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाथ के ऊपर जा गिरा और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाथ उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से
उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाथ से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नाग पाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो, मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है, अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हाँ, यही सही रहेगा, इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेट कर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए, फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूद कर बाहर आए, जय श्री राम, और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी, किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुन्द्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम। इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की।